नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, असम की तामुलपुर सीट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तामुलपुर सीट पर बीपीएफ के कैंडिडेट ने बीच चुनाव में दल बदल कर लिया था और उसके बाद से एक अच्छा खासा विवाद उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि बीपीएफ के पास अब कोई कैंडिडेट नहीं है और ऐसे में वो चुनाव कैसे लड़ सकता है। चुनाव नहीं लड़ सकता है, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हगरामा मोहलियारी जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उन्हें अपना कैंडिडेट बदलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनके कैंडिडेट ने बीच चुनाव में उनकी पार्टी को छोड़कर बिना बताए बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उधर इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा कांग्रेस ने खटखटाया है, जो महागठबंधन में उसकी साझेदार है, और कांग्रेस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस चुनाव की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कैंडिडेट को बीजेपी ने तोड़ा है, उससे अब चुनाव बेमानी हो गए हैं, चुनाव रह ही नहीं गए हैं, क्योंकि जब कैंडिडेट ही नहीं है तो चुनाव किनके बीच में होगा। तो ये पूरा चुनाव ही अब गड़बड़ झाले में फंस गया है। जो बीपीएफ के चेयरमैन हैं हगरामा मोहलियारी, उन्होंने 1 अप्रैल को ही इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत कर दी थी कि उनके कैंडिडेट ने दल बदल कर लिया है और ये उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा आगे चलकर ये भी कहा था कि चूंकि दल बदल के दौरान या जब दल बदल उन्हें जिस इवेंट में किया है उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे और हिमंत बिश्व शर्मा जो कि यहाँ के मंत्री हैं वो भी थे, उनकी उपस्थिति में ये हुआ, तो इन दोनों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जानी चाहिए। बल्कि उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ भी FIR दर्ज कराने की बात कही है, मांग की है। तो ये पूरा विवाद क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तामुलपुर जो सीट है वो कोकराझार वाला इलाका जो है, बोडोलैंड का इलाका जो है, उसमें बक्सा एक ज़िला है, उसकी एक विधानसभा सीट है। इस विधानसभा सीट से लगातार 2 बार से BPF का कैंडिडेट जीतता रहा है और इस बार भी उसने अपना कैंडिडेट को खड़ा कर किया था। RK बसुमतियारी उनका नाम है और उम्मीद थी कि ये सीट जो है ये BPF जीतेगी। पिछली बार 2016 में उसने बोडोलैंड की 12 की 12 सीटें जीती थीं और इस बार चूंकि BJP UPPL के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है तो उसकी नज़र भी सीटों पर थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि BPF को बढ़त मिली हुई है और ऐसा लगता है कि हिमंत बिश्व शर्मा और BJP ऐसे कैंडिडेट की को शिकार करने में लगी थी जिनको अपने साथ मिलाकर वो अपनी संख्या बल को बढ़ा सकें, और उसी के तहत RK बसुमतियारी को अपने साथ मिलाने की कोशिश हुई थी। जिस दिन RK बसुमतियारी मिले थे हेमंत बिश्व शर्मा से, उसी दिन उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी और खुशी भी जाहिर की थी। तो स्पष्ट रूप से BJP के तरफ से इस तरह की खेल चल रहे हैं, और भी विधानसभा सीटों पर चल रहे होंगे, और भी कैंडिडेट्स पर उसकी नज़र रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से दल बदल को करवाना कितना जायज़ है, और अगर दल बदल होता है तो क्या वो उसे इस ये चुनाव प्रक्रिया ही बाधित नहीं हो जाती है और ऐसे में चुनाव रद्द नहीं कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, जिन 2 पार्टियों के मुख्य उम्मीदवार आपस में भिड़ने वाले थे, अगर उनका एक कैंडिडेट इस तरह से दल बदल करता है तो फिर चुनाव बेमानी हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद, नॉमिनेशन विड्रॉल करने के पहले कैंडिडेट दल बदल करते हैं और वो उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कई पार्टी अपनी तैयारी रखती हैं किसी दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करने का, उनके पास मौका होता है। लेकिन ये तो मतदान के केवल 5-6 दिन पहले ये घटना घटी है और BPF के पास ऐसा कोई मौका नहीं था। वो किसी कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल नहीं करवा सकती थी क्योंकि उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। तो मैंने बात की जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं SY कुरैशी की, इस सूरत हाल में क्या स्थिति बनती है, क्या होना चाहिए। उनका कहना था कि ये इस तरह का प्रेसिडेंट, इस तरह की घटना पहले नहीं मिलती है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, ये पहली बार उन्हें याद आ रहा है कि ऐसा हुआ है। और ऐसी सूरत में वो उनके हिसाब से सही बात तो ये होती, सही चीज़ तो ये होगी,
कि उस चुनाव को रद्द कर दिया जाए, यानी उस चुनाव को नए सिरे से करवाया जाए ताकि जो मुख्य दल हैं वहाँ के वो चुनाव में हिस्सा ले सकें। जब चुनाव ही नहीं होंगे तो फिर चुनाव की वैधता कहाँ से स्थापित की जा सकेगी। तो एस वाई कुरैशी का बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि ये इस चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारा जो चुनाव आयोग है, जिसे हम केंचुआ कहते हैं, वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है पूरे देश भर में हम सब जानते हैं। 1 तारीख की कंप्लेन पर आज 4 तारीख तक उसका कोई निर्णय, कोई फैसला नहीं आया है। उसने इस पर आंखें बंद कर रखी हैं, और जब चारों तरफ से हल्ला हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं लोग और मीडिया में ये इस पर चर्चा हो रही है, तब भी अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई जांच अभी तक नहीं हुई है और ना ही उसने कोई स्टेप इस दिशा में लिया है। तो स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग की भूमिका यहाँ पर संदिग्ध हो जाती है। सवाल और भी खड़े हो रहे हैं कि जिन्होंने आर के बसुमतियारी को तोड़ा, वो किस आधार पर तोड़ा? उन्हें लालच दिया गया, उन पर दबाव बनाया गया, धमकाया गया, क्या तरीके अपनाए गए कि बीच चुनाव में एक पार्टी का कैंडिडेट इस तरह से दूसरी पार्टी में जाकर मिल गया? तो प्रश्न इसलिए हेमंत बिश्व शर्मा पर भी उठ रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल पर भी उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व पर भी उठ रहे हैं और पूरी पार्टी कटघरे में है कि आखिरकार चुनाव को उसने क्या मजाक बना दिया है, चुनाव को क्या ये तिकड़मों का खेल है, या उसकी चुनाव में कोई श्रद्धा आस्था नहीं है और वो इसी तरह से चुनाव जीतना चाहती है। तो सवाल इसके बाद और भी उठते हैं कि अगर ये फ्रॉड हुआ है, जैसा कि बीपीएफ का कहना है, जैसे कि कांग्रेस का कहना है, पूरे महागठबंधन के जो साझेदार हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं, मेरी सीताराम येचुरी से भी बात हुई जो सीपीएम के नेता है, उनका भी कहना है, तो ऐसी सूरत में क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए जिन्होंने इस तरह का दल बदल इस समय करवाया है? यानी हेमंत बिश्व शर्मा सीधे सीधे कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों को लीड करते रहे हैं पूर्वोत्तर में, असम में ख़ास तौर पर, वो बीजेपी के रणनीतिकार हैं और इस तरह की जोड़ तोड़ करने में, चाहे वो मेघालय हो, अरुणाचल हो या फिर मणिपुर हो, नागालैंड हो, हर जगह उन्होंने इस तरह के करतब दिखाए हैं और यहाँ भी वो कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा खुद को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो सारे साम दाम दंड भेंट कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान की सहमति उन्हें कितनी मिली है, नहीं मिली है, ये मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि पार्टी हाईकमान भी चूंकि इसी तरह की तिकड़मों का आदि हो गया है, वो इन्हें ऐसा करने से उसे कोई गुरेज नहीं रहता है, इसलिए हो सकता है हरी झंडी वहाँ से मिली हो। लेकिन ये माना जा रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा चूंकि आगे की तैयारी कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री पद को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसे कैंडिडेट को अपने साथ जोड़ कर रख रहे हैं, तोड़ कर ला रहे हैं ताकि उनकी दावेदारी और भी मजबूत हो और उन्हें मुख्यमंत्री का जो पद है वो बीजेपी को सौंपना पड़ जाए। तो ये एक कहनी चाहिए कि शतरंज बिछाई जा रही है हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से, लेकिन ये है तो एक धोखाधड़ी मतदाताओं के साथ, लोकतंत्र के साथ, चुनाव प्रक्रिया के साथ। और अगर ये धोखाधड़ी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं, वो भी एक कैंडिडेट है, यहाँ गुवाहाटी की झालुकबाड़ी सीट है, वहाँ से वो कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या उस सीट का भी चुनाव रद्द किया जा सकता है? शायद इसमें तकनीकी दिक्कतें होंगी, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है, जो CRPC के तहत जो कार्रवाई हो सकती है, इस तरह के छल बल के लिए जो आपराधिक ढंग से राजनीतिक गतिविधियां चलाने का तरीका है, उसके खिलाफ जो हो सकती है, उस पर तो चुनाव आयोग को भी आदेश देना चाहिए, राज्य सरकार को भी आदेश देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें पहल करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर इस तरह की हरकतों को अभी नहीं रोका गया तो ये सिलसिला बढ़ता जाएगा और हमारे चुनाव वैसे भी इस बार खास तौर पर जिस तरह से धनबल का प्रयोग बीजेपी ने किया है असम में और दूसरी जगहों पर, वो तो अद्भुत है। कहना चाहिए पानी पैसा की तरह बहाया गया है। एक एक कंस्टिट्यूंसी पे कहा जा रहा है कि 20-20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल भी नहीं है।
एक तरफ बीजेपी है जो 20 करोड़ खर्च कर रही है, दूसरी तरफ दूसरे कैंडिडेट हैं जो 20, 30, 40 लाख से ऊपर नहीं गए हैं, ऐसा माना जाता है। तो एक तरफ पैसे का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की तिकड़में चल रही हैं जिसमें पुलिस, सरकार, सरकारी मशीनरी और कहा जाए तो इलेक्शन कमीशन पर भी उंगली उठ रही हैं, उनके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और तामुलपुर जो का मामला है वो टेस्ट केस के रूप में स्थापित हो सकता है, क्योंकि ये पहला इस तरह का मामला है और इसमें अगर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट सही ढंग से हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो एक ये मैसेज जाएगा और एक ये तिकड़म का एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा जो आने वाले चुनाव में भी हमें देखने को मिलेगा कि जो भी जिस तरह से भी ताकतवर है, चाहे उस पर धन शक्ति हो, चाहे सत्ता की शक्ति हो, चाहे CBI या ED, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां हों, वो इनका इस्तेमाल करके इस तरह से कैंडिडेट को, विनिंग कैंडिडेट को दूसरी पार्टियों के तोड़ेंगी और अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगी। तो ये चुनाव की प्रक्रिया को पटरी से उतारने की, जो कि लोकतंत्र का आधार है, एक और बड़ी कोशिश है और इसे नाकाम करना ये पूरी लोकतांत्रिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है और उन लोगों को दंडित करना जो इस खेल में शामिल हैं ये भी उनकी जिम्मेदारी है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है और ये राजनीतिक दल उन पर कितना दबाव बना सकते हैं। और इस घटना से बीजेपी और उसका नेतृत्व शर्मसार होता है या नहीं, या वही दांत निपोर कर वो आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे सत्ता का खेल खेलना है, सत्ता लोलुपता उस पर हावी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और बड़े पैमाने पर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।